सपना सपना तो हर रोज हर लोग देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपके पास जिद होनी चाहिए, और वही जिद आपको एक दिन कामयाबी की ओर ले जाएगी। जब आप अपने सपने को पाने के लिए उस पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। एक शहर में एक छोटा लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो उसके घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी सारी दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रेंच होगा, वह उनका मालिक भी बनेगा। बच्चा तो छोटा था, वह स्कूल भी जाया करता था। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिख कर लाएंगे, जिसमें लिखना होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। उस लड़के ने रात भर जाग कर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने के बारे में पूरी तरह बताते हुए लड़के ने अपने लेख में 100 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज की फ़ोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा तथा अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फैल लिख दिया था। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता वो कोई छोटा मोटा लेख लिखता, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो, मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ। लड़का उस काफ़ी को लेकर घर गया और उस पर काफ़ी सोच विचार किया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक अपने शहर में अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ देख रहा था तो दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और वह यही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह अपना सपना देखा था। दोस्तों, हम खुली आँखों से अपने लिए जब तक सपने नहीं देखेंगे तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे। आप सपने देखें और उसके लिए मेहनत करें। मेहनत करने के बाद आप उसे खुशी खुशी प्राप्त करें। अपने सपनों पर कभी बंद से नहीं लगाना, क्योंकि तुम जितना भी बड़ा सपना देख सकते हो तुम उससे भी कहीं ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।